नमस्कार साथियों, जैसा कि हमने पिछले क्लास में वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था, यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर के बारे में पढ़ा था। यूनिवर्सल वर्नियर कैलिपर वर्कशॉप में ज्यादा प्रयोग किया जाता है, जिसके द्वारा हम एक ही कैलिपर के द्वारा अंदर का माप, बाहर का माप और किसी भी जॉब की गहराई को मेजर करते हैं। तो कुछ कमेंट्स आए थे और हमसे मतलब सवाल किया गया था कि सर आपने कुछ, तो हमने बोले ठीक है। तो उसमें क्वेश्चन आया था कि आपने ये नहीं बताया वर्नियर कैलिपर का आविष्कार किसने किया, तो हम बताते हैं कि वर्नियर कैलिपर का आविष्कार पैरी वर्नियर, एक वैज्ञानिक थे, उन्होंने किया। वो भी फ्रांस के थे और उन्हीं के नाम पर इसका नाम वर्नियर कैलिपर पड़ा, उनका ही नाम था पैरी वर्नियर। और एक क्वेश्चन था कि वर्नियर कैलिपर मेटल कौन सा होता है, किस मेटल का बना होता है, तो स्टेनलेस स्टील का बना होता है या वेनेडियम स्टील को भी बोल सकते हैं, वेनेडियम स्टील या स्टेनलेस स्टील का बना होता है। और एक क्वेश्चन था कि इसका साइज क्या होता है। तो देखिए, हमने बताया था कि वर्नियर कैलिपर मिलीमीटर में और इंच, मेट्रिक पद्धति और ब्रिटिश पद्धति दोनों में माप देता है। तो साइज की बात करते हैं तो ज्यादातर वर्कशॉप में हम 150 mm वाले वर्नियर कैलिपर यूज किए हैं। जितना ये इसका जाक खोलता है वो इसका साइज होता है। और वैसे भी इसके मेन स्केल पे ऊपर में इंच में और नीचे में मिलीमीटर में माप दिए रहते हैं, और दोनों इसका वहाँ पे लास्ट में लिस्ट काउंट भी लिखा रहता है। तो एक बार फिर से हम बात करते हैं, मिलीमीटर में इसका लिस्ट काउंट 0.02 mm और इंच में 0.001 inch होता है। और इसकी साइज की बात करते हैं तो इसका साइज जो होता है 150 mm, 300 mm आदि होता है, 0 से 150, 0 से 300। और इंच में बात करते हैं तो 0 से 6 inch, 0 से 12 inch तक के साइज में ये मिलते हैं। तो ठीक है, आज हम आगे बढ़ते हैं, वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट के बारे में पढ़ेंगे। तो बात करते हैं वर्नियर कैलिपर के लिस्ट काउंट। तो हमने पिछले क्लास में बताया था कि जो इसका सिद्धांत होता है, यह एक ही माप के दो स्केल के अंतर के सिद्धांत पर काम करता है, अर्थात मेन स्केल और वर्नियर स्केल के अंतर के सिद्धांत पर ये कार्य करता है। मेन स्केल की एक भाग का मान और वर्नियर स्केल की एक भाग का मान का जो अंतर होता है वही इसका लिस्ट काउंट होता है। सबसे कम जो माप देता है वर्नियर स्केल वही उसका लिस्ट काउंट होता है। और मिलीमीटर में सबसे कम माप 0.02 mm और इंच में सबसे कम माप 0.001 inch। ऐसे ऑब्जेक्टिव करके क्वेश्चन ये हमेशा आते रहते हैं, इसलिए हम इस चीज को बार बार रिपीट करते हैं। ठीक है, तो वर्नियर कैलिपर का मेन स्केल के जो 24 भाग होते हैं वह वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर होते हैं। लिस्ट काउंट की हम बात कर रहे हैं, ठीक है। वर्नियर स्केल के मेन स्केल का जो मेन स्केल है, वर्नियर कैलिपर में जो मेन स्केल है उसके 24 भाग वर्नियर स्केल के 25 भाग के बराबर है। और मेन स्केल के एक भाग का मान 1/2 mm अर्थात 0.5 mm है। वर्नियर स्केल के 25 भाग मेन स्केल के 24 भाग के बराबर है, और मेन स्केल के एक भाग का मान 0.5 mm है। 24 मेन स्केल डिवीजन का मान 24 × 1/2 = 12 mm। 24 मेन स्केल डिवीजन का मान 12 mm है, और 12 mm के बराबर है वर्नियर के 25 भाग। इसी 12 mm के बराबर है वर्नियर के 25 भाग। तो वर्नियर के एक भाग का मान 12/25, तो आ गया हमारा मेन स्केल के एक भाग का मान और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान। तो मेन स्केल के एक भाग का मान 12, मेन स्केल के एक भाग का मान 0.5 mm 1/2 mm, और वर्नियर स्केल के एक भाग का मान 12/25 mm। तो दोनों के अंतर हम करेंगे, मेन स्केल के एक भाग और वर्नियर स्केल के एक भाग का अंतर, इसका लिस्ट काउंट। तो 1/2 - 12/25, इसको कैलकुलेट करेंगे तो हमारे पास आएगा 1/50 अर्थात 0.02 mm, ये इसका लिस्ट काउंट होता है। तो हम उम्मीद करते हैं कि अभी हमने जितना बताया इस चीज को आपने ध्यान से पढ़ा, ध्यान से देखा। यदि इसमें किसी को कुछ डाउट होता है तो हमसे कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं, या जो भी होगा हम इस चीज में कुछ इम्प्रूव करेंगे। और यदि वीडियो आपको पसंद आती है तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आप इसको सब्सक्राइब करेंगे, शेयर करेंगे, लाइक करेंगे,
और हमारे ऐसे ही अन्य वीडियो आपको मिलते रहेंगे। इसके लिए आप इसमें एक बेल आइकन होगा, बेल आइकन को दबाएंगे। तो आज के लिए थैंक यू, धन्यवाद।